बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत ही देशभक्त कहानी सुना रही हूँ, जिसका शीर्षक है अपने देश की माटी। सदियों पहले भारत में आर्यों के अनेक गणराज्य थे। कोशल और मगध अन्य राज्यों से बड़े थे। दोनों नरेशों में घोर शत्रुता थी। कोशल नरेश की सैन्य शक्ति बहुत अधिक थी और मगध नरेश का सैन्य बल कम था। इस कारण वह ज्यादा सावधान रहते थे। मगध नरेश प्रजा के दुख दर्द का बहुत ध्यान रखते थे। वह प्रजा की भलाई के कार्यों में खूब खर्चा करते थे। राजा व रानी शिव जी के उपासक थे। प्रतिदिन वे दोनों स्वयं ही शिवालय को साफ सुथरा कर पूजा पाठ करते थे। जबरी नाम की मालिन पूजा के लिए फूल लाया करती थी। एक दिन आधी रात के बाद मगध नरेश भेष बदल कर अपने नगर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने चल दिए। सावधानी से निरीक्षण करते हुए नरेश उसी बाग में पहुंच गए जिसमें जबरीन मालिन रहती थी। आहट सुनकर वह जाग पड़ी। उसे लगा अब दिन निकलने वाला है। टोकरी उठाकर वह फूलों के क्यारियों की ओर चल दी। वहां उसे 8-10 आकृतियां खड़ी नजर आई। उसको देखते ही वह उसके नजदीक आ पहुंची। राजा ने षड्यंत्र को भांप लिया। वह एक पेड़ की ओट में खड़े हो गए। घुप अंधेरा था वहां पर। वो आकृतियां पुरुषों की थी, किंतु जबरी को भय नहीं लगा। वह निडरता से पूछने लगी, कौन हो तुम? क्यों आए हो रात को बाग में? एक ने आहिस्ता से बताया, हम तुम्हारी राह देख रहे थे। तुम्हें बुलाने के लिए हमें कौशल नरेश ने भेजा है। क्यों, क्या काम है मुझसे? जबरी ने गुर्रा कर पूछा। हम कौशल के गुप्तचर हैं, मगध की टोह लेने आए हैं। तुम्हें भी हमारे साथ चलना पड़ेगा। राजा रानी तुम पर बहुत विश्वास करते हैं। महल के सब राज का तुम्हें पता होगा। क्या कहा, विश्वासघात करूं हमारे प्रजापालक राजा से? नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी, जबरी ने क्रोध में आकर कहा। देवी, तुम शांत चित्त से सोचो। कौशल नरेश तुम्हें निहाल कर देंगे। मोहरों से भरी दो थैलियां हमारे साथ भी भेजी है तुम्हें देने के लिए। गुप्तचरों ने मीठे स्वर में खुशामद करते हुए दोनों थैलियां उसकी ओर बढ़ा दी। जबरी का पारा और भी चढ़ गया। लालच दे रहे हो गद्दारी करने के लिए? तुम्हारी यह मजाल, चले जाओ वरना खून पी जाऊंगी तुम्हारा। मैं हरगिज नहीं चलूंगी तुम्हारे साथ, कहते हुए उसने बाज की तरह झपट कर दोनों थैलियां उनके मुंह पर दे मारी। फिर मुट्ठी भर माटी उठाकर बड़े स्वाभिमान से बोली, एक सच्चे देश प्रेमी और देश भक्त के लिए तो विश्व की सबसे अनमोल वस्तु है अपने देश की माटी। जबरी की बातें सुनकर पेड़ की ओट में खड़े मगध नरेश का सीना गर्व से फूल गया। सोचा, ओह, जब मेरी प्रजा इतनी देश प्रेम में डूबी हुई है तो मगध कभी गुलाम हो ही नहीं सकता। कौशल के गुप्तचरों ने जबरी को बहुत सब्ज बाग दिखाए, पर वह ट्रस से मस न हुई। तो एक गुप्तचर दहाड़ा, जिद्दी औरत, चल सीधी तरह से वरना जिंदा गाड़ देंगे जमीन में। जबरी भी बिजली की तरह कड़कने लगी, बेशक गाड़ दो, मरने से नहीं डरती, किंतु मगध नरेश के साथ विश्वासघात तो कभी नहीं करूंगी मैं। उसका टकासा जवाब सुनकर गुप्तचरों का खून खोल उठा। वे उसकी धुनाई करते हुए घसीटने लगे। उसने शोर मचाया तो एक गुप्तचर उसके मुंह में कपड़ा ठूंसने लगा। उसकी गुस्ताखी देख मगध नरेश उसी क्षण ठहरों की गर्जना करते हुए पेड़ की ओर से निकलकर गुप्तचरों की ओर लपके ललकार सुनी तो राजा के अंग रक्षक भी आकर टूट पड़े। कौशल और मगध में युद्ध सा छिड़ गया। सिर्फ एक गुप्तचर को नहीं मारा, बाकी सबकी गर्दन उड़ा दी। देखा, मेरी प्रजा का देश प्रेम, कहो देशभक्ति का कोई और भी नजारा देखना है क्या? गुप्तचर का कलेजा दहल रहा था, कंपकंपी छूट रही थी। आसपास बिछी लाशें देखकर, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, डरो मत, तुम जा सकते हो।
कौशल नरेश को कहना कि सैन्य शक्ति और धन दौलत के बूते पर देशभक्तों को नहीं हरा सकते। मगध की प्रजा मुझे हृदय से चाहती है, मैं प्रजा को चाहता हूँ संतान से बढ़कर। हर एक मगधवासी अपने देश की स्वतंत्रता की खातिर मरने और मारने को कमर कसे रहता है। बेशक कौशल नरेश मुझे व मेरी प्रजा को रण क्षेत्र में आकर कभी भी आजमा सकते हैं। इतना कहते हुए उन्होंने मालिन की तरफ देखा और बोले, जबरी हमें तुम पर गर्व है, तुम शीघ्रता से फूल चुनकर शिवालय में पहुंचा दो, पूजा का समय हो रहा है। जीवन दान देने वाले दयालु नरेश को गुप्तचर मन ही मन नमन करने लगा। उसके कानों में जबरी के बोल गूंज रहे थे, विश्व में सबसे अनमोल है अपने देश की माटी।